कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को आंकड़ों के जाल में उलझते नजर आए। उन्होंने लोकसभा में बैंक संकट का मामला उठाया और सरकार को घेरते हुए 50 डिफॉल्टर के नामों की जानकारी मांगी। एक और जहां उन्होंने लोकसभा में 50 डिफॉल्टर की जानकारी मांगी, तो वहीं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने 500 डिफॉल्टर्स का नाम पूछा। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 500 डिफॉल्टर्स कौन है। स्पीकर की ड्यूटी है कि मेरे अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरा सवाल पूछने ही नहीं दिया। ये मेरे अधिकारों का हनन है, ये गलत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार इन 500 लोगों का नाम लेने में क्यों डरी हुई है। हमें पता है कि देश की अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ रही। 500 लोगों ने देश की संपत्ति की चोरी की है। पीएम मोदी ने कहा था कि वे इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो इनका नाम क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बैंकों की हालत और कोरोना वायरस की वजह से परिणाम बेहद खराब आएंगे। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल किया कि देश के 50 डिफॉल्टर कौन है। मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। पीएम मोदी कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है, उनको मैं पकड़कर वापस लाऊंगा। तो मैंने सरकार से उनके नाम पूछे और मुझे जवाब नहीं मिला। I had asked a question, very simple question. Who are the top 50 willful defaulters? मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 willful defaulters हिंदुस्तान में कौन हैं? माने मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ। सेट तो करने दीजिए। सेट तो करने दीजिए। आप प्रश्न पूछो। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।